सोनीपत लोकसभा के सफीदो विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी मोहनलाल बड़ौली के ताबड़तोड़ कार्यक्रम। सफीदो विधानसभा का लगातार तीसरे दिन का प्रवास भाजपा प्रत्याशी मोहनलाल बड़ौली के स्वागत में कालवा गांव में उमड़ा जनसैलाब। भाजपा प्रत्याशी मोहनलाल बड़ौली ने कहा, सफीदो हल्के के 15 गांवों का दौरा किया। उन्होंने कहा, लोगों का जन समर्थन भरपूर मिल रहा है। भाजपा प्रत्याशी मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में अच्छा वातावरण बना हुआ है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में कमल का फूल बहुत भारी बहुमत के साथ लोकसभा सोनीपत सीट पर 5 लाख वोटों के साथ जीत बीजेपी के पक्ष में जाएगी और सर्व समाज के हित की भलाई के काम की। आज जितनी भी योजनाएं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाई, उनका सीधा लाभ गरीब आदमी के घर तक पहुंचाने का काम किया है। चाहे किसानों के सम्मान निधि की बात हो, चाहे बीपीएल परिवारों को मुफ्त में राशन देने की बात हो, चाहे गरीब लोगों के इलाज कराने की बात हो, चाहे देश के मान सम्मान की सैनिकों से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, आज देश में सैनिकों का भी और हरियाणा प्रदेश में तो जो हमारे स्कूल है उनके नाम भी सैनिकों को जो शहीद सैनिक है उनके नाम से रखने का काम किया है। हमारे देश का जिस प्रकार से मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा, नरेंद्र मोदी जी ने, आप सबने देखा होगा G20 का सम्मेलन किस प्रकार से दुनिया के जो बड़े बड़े देश थे उन सब का जो नेतृत्व करने का काम किया था। जो मोदी जी कहते थे कि 56 इंची सीना, जब G20 का सम्मेलन हुआ उस समय 56 इंची का सीना पूरी दुनिया ने देखा है, पूरे देश ने देखा है। इस प्रकार के प्रधानमंत्री, तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने, इस बात को लेके ये चुनाव है। चुनाव है राष्ट्रीय मुद्दों को लेके, चुनाव है देश के गौरव को लेके। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया कि जब आजादी का 100वां वर्ष मनाए तो ये देश विकसित राष्ट्र हो, चुनाव इन बात को लेके कि आपकी वोट इस देश के काम आएगी, आपकी वोट देश के विकास के काम आएगी, आपकी दी हुई वोट किसान के सम्मान के काम आएगी, आपकी वोट महिलाओं के अधिकार के काम आएगी और आपकी वोट युवाओं को रोजगार देने के काम आएगी। इस बात को लेकर चुनाव है। कहने को तो दो, बच्चन सिंह आर्य जी कह रहे थे कि बड़ी सभा होगी और बहुत जल्दी आपके यही धनाजाट की जयंती मनानी है आपके बिल्कुल नजदीक में। आज हम जगह भी देख आए हैं, उसका टाइम बस सेट हो रहा है। उस समय हमारा कोई ना कोई केंद्र से भी आएगा और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी आएंगे। बहुत सारी लंबा भाषण उस समय आपको सुनने को मिलेगा क्योंकि आपके नजदीक है। आज धाम पर हमारे बहुत सारे युवाओं ने भी पार्टी ज्वाइन की है। मैं सभी युवाओं का इस भारतीय जनता पार्टी की जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है उसमें भी ज्वाइनिंग करने पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ता का मान सम्मान इस पार्टी में होता रहेगा और आपको भी पूरा मान सम्मान मिलेगा। आज जिन भाइयों ने पार्टी ज्वाइन की है उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और 25 तारीख को जो वोटिंग का दिन है उस पर भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल का बटन दबा के अपने भाई को, अपने बेटों को देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम करेंगे। तो मैं आपकी दिन रात सेवा करने का काम करूंगा, आपके मान सम्मान को बढ़ाने का काम करूंगा और देश के विकास की बात करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नारा दिया कि अब की बार 400 पार, ये 400 पार का जो नारा है ये इसलिए है कि आपके मिलने वाले देश में कहीं भी हो। अभी पहले चरण का चुनाव है 19 तारीख को है, आपके जो भी मिलने वाले हैं उन सब से अपील करें कि भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल का वोट दे। और हरियाणा विधानसभा का ये तीसरे दिन का मेरा प्रवास है और सफीदो विधानसभा के आज 15 गांव हैं कालवा गांव के, यहाँ धाम पर पहुंचे हैं। बहुत भव्य स्वागत 36 बिरादरी के लोगों ने बहुत अच्छे से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मेरे को आशीर्वाद देने का काम किया है और विश्वास दिलाया है कि सफीदो विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत होगी। और जिस प्रकार का उत्साह आशीर्वाद जनता की तरफ से मुझे मिला है, मुझे लगता है कि सोनीपत लोकसभा की सीट बहुत बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी
यहाँ से जीतेगी और मोदी जी की गारंटी, मोदी जी का जो विश्वास लोगों को बहुत पसंद आया है और मोदी जी की गारंटी की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी का वातावरण बना। आज युवाओं ने बीजेपी ज्वाइन की है, क्या जनता को मैसेज दोगे? ये युवाओं को रोजगार देने की जो बात की है, सर्व समाज की जो मोदी जी ने नीतियाँ बनाई है, महिलाओं का सम्मान, किसानों का सम्मान, गरीब का सम्मान और युवा का सम्मान, उसी मोदी जी की गारंटी की वजह से आज बहुत सारे युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, उनका स्वागत अभिनंदन किया। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।